नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको सभी कार कंपनियों की अगस्त महीने में हुई बिक्री के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी के बारे में। मारुति सुजुकी इंडिया ने अगस्त महीनों में कुल 1,03,187 गाड़ियों को भारतीय बाजार में बिक्री की है, जबकि अगस्त 2020 में कंपनी ने 1,13,033 यूनिट्स की बिक्री की थी। यानी भारतीय बाजार में अगस्त 2020 की तुलना में इस साल अगस्त महीनों में मारुति की गाड़ियों की बिक्री घटी है। अब आते हैं ह्युंडई मोटर्स के बारे में। ह्युंडई मोटर्स इंडिया ने अगस्त महीनों में कुल 46,866 यूनिट्स को भारतीय बाजार में बिक्री की है। और वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अगस्त 2021 में कुल 15,973 पैसेंजर गाड़ियों को भारतीय बाजार में बिक्री की है, जबकि अगस्त 2020 में कंपनी ने 13,651 यूनिट्स को बिक्री की थी। यानी कि भारतीय बाजार में अगस्त 2020 की तुलना में इस साल अगस्त महीनों में महिंद्रा के पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में 17% की बढ़ोतरी आई है। और एक इंडियन ब्रांड टाटा मोटर्स ने अगस्त 2021 में कुल 54,190 गाड़ियों को भारतीय बाजार में बिक्री की है, जबकि अगस्त 2020 में कंपनी ने 35,420 यूनिट्स की बिक्री की थी। यानी भारतीय बाजार में अगस्त 2020 की तुलना में इस साल अगस्त महीनों में टाटा की गाड़ियों की बिक्री में 53% का बढ़ोतरी आई है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी आप फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।